सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। रेनॉल्ट क्विड भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में से एक है। इस कार को खास तौर पर अपने एसयूवी वाले लुक की वजह से पसंद किया जाता है। हाल ही में रेनॉल्ट ने क्विड कार के नए 2019 मॉडल को लॉन्च किया था। क्विड के नए 2019 मॉडल की कीमत 2,80,000 रुपये से शुरू होती है। वही कार के टॉप मॉडल की कीमत 4,00,000 रुपये से रखी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको इस कार के रूबरू करवाने वाले हैं। नई रेनॉल्ट क्विड के एक्सटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। मॉडर्न कारों की तरह इस कार के मेन हेडलाइट नीचे की तरफ दिए गए हैं, वही ऊपर की तरफ स्टाइलिश LED DRS देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये कार बहुत ज्यादा स्टाइलिश नजर आती है। इसके साथ कार में स्टाइलिश अलॉय व्हील्स और नए ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको 8 इंच के टस्किन सिस्टम का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों की सुविधा देखने को मिलेगी। फास्ट चार्जिंग रियर आर्मरेस्ट, एयर कंडीशनर और 5 सीटिंग स्पेस के साथ 620 लीटर का बड़ा बूट स्पेस कार के इंटीरियर को और भी खास बनाने में मदद करता है। नई रेनॉल्ट क्विड में आपको 800 सीसी और 1 लीटर के पेट्रोल इंजन का विकल्प देखने को मिल जाएगा। 800 सीसी वाला इंजन 50 bhp का पावर और 70 न्यूटन पर, वही 1 लीटर वाला पेट्रोल इंजन 70 bhp का पावर और 90 न्यूटन मीटर के टॉर्क प्रदान करवाने में सक्षम है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ इस कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की सुविधा दी गई है। भारत में इसका मुकाबला मुख्य रूप से हाल ही में लॉन्च हुई मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और आल्टो 800 के साथ हिंडई सेंट्रो से भी होता है। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको एक क्विड का 2019 एडिशन कैसा लगा, क्या आप इसको खरीदेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक चैनल की बहुत मदद करता है। आज की वीडियो का टारगेट रखते हैं 800 लाइक का। जल्दी से एक लाइक करके 800 लाइक का टारगेट पूरा करें और चैनल को सपोर्ट करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके आम आदमी तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।